बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आज के शो की रिकॉर्डिंग से पहले हमने मुतअद्दिद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऐसे एमएनएज और सेनेटर्स जिनके नाम कल आईनी तरामीम में थोड़े से मशकूक हो गए थे, हमने तकरीबन तमाम लोगों से राबता करने की कोशिश की है। कुछ से हमारा राबता इस्टेब्लिश भी हुआ है, लेकिन हमारे शो में आकर पॉइंट ऑफ व्यू देने से तमाम लोग कतरा रहे थे। एक स्टेटमेंट सबकी जानिब से हमारे पास आई है, वो ये कि हमने जो कहा है, जो वीडियोस कुछ ने भेजी हैं हमें, हम अपने अल्फाज पर कायम हैं, हम इमरान खान साहब के साथ हैं। और ये उन लोगों ने कहा है कि जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो कल पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद थे। इस सारी सूरत हाल पर आज के शो में बात करते हैं कि हुआ क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, कि जिन्होंने अपने एमएनएज बड़े सिक्योर कर रखे थे, इवेंचुअली आज वो ये दावा करते हैं कि उनके एमएनएज करोड़ों नहीं अरबों में बिक गए। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। साहबजादा हामिद रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। साहबजादा साहब, रात को क्या हुआ है असेंबली में? आज एक तरफ ये जश्न मनाया जा रहा है जमहूरियत की फतह, और एक तरफ ब्लैक डे अनाउंस किया गया है, कुछ हुआ क्या रात को सर? 26वीं यानी तरमीम एक माइलस्टोन अचीव किया है गवर्नमेंट ने, क्या कहूं इसको मैं? देखिए, जहां तक हुकूमत के जश्न मनाने की बात है तो इंशाल्लाह ये जश्न के दिन थोड़े ही है, ये आईनी तरमीम इन्हीं के गले में पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो माजी है वो हमेशा ये रहा है कि आपने जिसके लिए पर्सन स्पेसिफिक या किसी पर्सन को टारगेट करने के लिए या उसको बेनिफिट देने के लिए आपको ऐसी अमेंडमेंट लेकर आए हैं, तो उसके अंदर फिर उसी इंसान ने या उसी फर्द ने आपकी तबाही की दास्तान रकम की है। तो ये जश्न इंशाल्लाह जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन इट वॉज अ ब्लैक डे। आप देखिए, मैं मेरिट के ऊपर बात करूंगा बिल्कुल, और वो ये है कि बंदूकों के साए में इस्लामाबाद में मार्गला पे चले जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे चले जाएं, आप सरीना होटल वाली साइड पे चले जाएं, वो पार्लियामेंट जो जमहूर की नुमाइंदा है और या दावेदार है कम अज कम, और जो जमहूर को रिप्रेजेंट करती है, उस पार्लियामेंट के चारों सराउंडिंग्स पे पार्लियामेंटेरियंस को भी दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। हमें पता है हम कैसे आए हैं पार्लियामेंट हाउस तक पहुंचे हैं, जो हम 8-9 लोग थे जिनको डेजिग्नेट किया गया था। और इस किस्म की तरामीम जिस तरीके से लाई गई, अभी जैसे रात मौलाना आपने तकारीर भी सुनी, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गुफ्तगू की और उन्होंने उसका इंदिया दिया कि जो हुकूमत ड्राफ्ट लेके आ रही थी उसके बाद शायद जनाजे का इंतजाम भी हुकूमत ने खुद ही कर दिया था। उसमें बहुत सारी चीजें हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुसवदे में जो हुकूमत की चीजें थी वो हम निकलवाने में कामयाब हुए, और वो इतनी तबाहकुन थी कि शायद मेरा ख्याल है कि उन्हें बयान करना भी मुनासिब नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से अब जुडिशरी को कंट्रोल किया गया है, अब देखिए ना, एक जज है उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग बेंच बना दिया गया है जो कि जनाब उसको मॉनिटर करेगा, उसके अंदर पार्लियामेंट की नहानी वो उसके अंदर पार्लियामेंट की नुमाइंदगी होगी। अब अगर एक जज को किसी पार्लियामेंटेरियन का जो इंटरेस्ट है वो उसको टेक केयर नहीं करेगा, तो वो उनके बारे में लिख के दे देगा कि जी इनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, इनकी प्रोग्रेस सही नहीं है, तो उस जज को जनाब उसकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग द जुडिशरी बेसिकली। अच्छा साहब, रसाब, ये जो पांच लोग थे, जो पांच लोगों ने कल वोट किया इस आईनी तरमीम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये कब से आप लोगों के साथ रबते में नहीं थे? सर, ये थ्रू आउट रबते में रहे हैं। इसके अंदर गुज़श्ता रात तक, यानी गुज़श्ता से पवस्ता रात तक, ये तमाम लोग कॉन्टेक्ट में थे। ओके। और इन्होंने मुकम्मल तसल्ली और यकीन दहानी करवाई हुई थी, इनके एफिडेविट जमा थे। हमें कुछ जो पांच तो नहीं, इनमें से दो लोगों के बारे में तो हमें आइडिया था, लेकिन उस फिगर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये लोग मुकम्मल रबते में रहे, बल्कि इन्होंने कुछ दिन हमारे पास भी गुजारे। हमने जिन जगहों पर अपने पार्लियामेंटेरियंस को महफूज रखा हुआ था, ये उन जगहों पर भी रहे महफूज रहने के लिए। फिर जाहिर है, अगर किसी के घर में कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसको आप उस वक्त वहां पर रोक नहीं सकते। मैं दो लोगों का कैटेगोरिकली जानना चाहूंगा आपसे, रियाज फतियाना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन साहब, क्या ये रात को पार्लियामान के अंदर मौजूद थे? अच्छा देखिए, मैं इनकी पार्लियामान में मौजूदगी की तस्दीक तो नहीं कर सकता, लेकिन जो हमें आजाद जराए वहां पर मौजूद हैं वो हमें ये बतला रहे हैं कि ये दोनों अफराद, इन्हें ऊपर प्रेसिडेंशियल ऑफिस है जो पार्लियामेंट के अंदर, जहां पर प्रेसिडेंट साहब जब स्पेशल स्पीच के लिए आते हैं तो वहां पर वो बैठते हैं, वहां पर शायद इन्हें रखा गया था। उसके अंदर बिल्कुल हमें रियाज फतियाना साहब और ब्रिगेडियर गुमन साहब का नाम दिया गया है कि ये दोनों अशखास भी वहां पर मौजूद थे। कल रात से आपका वर्कर बड़े गुस्से में है, ऑब्वियसली उनका बनता भी है कि जो लोग इमरान खान साहब पे आपकी पार्टी के वोट पर इलेक्ट हुए थे वो आपको एंड में आके डिच कर गए। इस पे वर्कर एक सवाल पूछ रहे हैं और कुछ लोग तो अपने पास से इस चीज को स्पेकुलेट भी कर रहे हैं कि क्या कोई रेट लगे हैं, कोई बोलियां लगी हैं इस बार फिर से?
नहीं, रेट तो लगे हैं सर, हमारे जो एमएनएज महफूज रहे हैं उनमें से एक एमएनए हमारे जो परसों इजलास के अंदर आए थे, केपीके से उनका ताल्लुक है, वो ऑन ओथ हैं। वो जिस वक्त परसों इजलास के बाद पार्लियामेंट लॉजिस पहुंचे हैं तो वहां पर कुछ लोग उनके पास 80 करोड़ रुपया नेट कैश लेके पहुंचे हैं। मुबारक ज़ेब खान साहब की बात कर रहे हैं? और नहीं सर, नहीं, मैं बेजमीरों, बेशर्मों और अपने मोसनों की कमर में छुरा घोंपने वालों को मैं इस काबिल भी नहीं समझता कि मैं ऐसे लोगों के खिलाफ बात करूं। मैं हमारे शाह साहब हैं, मैं हबीब शाह साहब, वो उनको 80 करोड़ रुपए ऑफर किया गया, फिर हमारे सवाद से एक एमएनए हैं उनको 1 अरब रुपया ऑफर किया गया लेकिन वो नहीं टूटे। बुनियादी वजह यह है कि रेट जो था वो तो फिर आखिरी 2 दिनों के अंदर जिस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हुकूमत के मामला नहीं सेटल हो पा रहे थे तो उस वक्त रेट तो 2 अरब रुपए तक भी गया भाईजान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक एमएनए का आपको कोई, ये सर एक एमएनए का, मैं आपको कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैं आपको एग्जैक्ट वो हकीकत बता रहा हूँ जिसमें साथ ही ऑफर भी मौजूद थी कि अगर आप ये पेमेंट डॉलर्स में लेना चाहते हैं तो भी मिलेगी, अगर आप पाकिस्तान से बाहर दुबई में लेना चाहते हैं, इंग्लैंड में लेना चाहते हैं, अमेरिका में लेना चाहते हैं, किसी भी मुल्क में लेना चाहते हैं तो वो पेमेंट आपको वहां पर भी रिसीव करवा दी जाएगी। कैश चाहेंगे कैश मिलेगी, अकाउंट चाहेंगे अकाउंट में मिलेगी, पाकिस्तान में चाहेंगे जिस करेंसी में चाहेंगे, डॉलर में, पाक रुपीज में, पाउंड्स में, उसके अंदर भी आपको पेमेंट मिलेगी। हामिद रजा साहब, चलें इन लोगों की तो समझ आती है कि इनको ऑफर किया गया, लेकिन एक खानदान ऐसा है कि जिसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बहुत एलिवेट भी किया, बहुत अप्रिशिएट भी करते रहे, और वो खानदान आप भी पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ज़ैन कुरैशी साहब की समझ नहीं आ पा रही, हम लोग उस सारी सिचुएशन को डीकोड नहीं कर पा रहे, थोड़ी हमारी रहनुमाई फरमाएं कि ज़ैन कुरैशी साहब वाला क्या मामला हुआ। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस दिन ज़ैन कुरैशी साहब का उनके मैं आपको पूरी पिक्चर दे देता हूं, अभी जाहिर है वो जब कोई इंटरनल इंक्वायरी कमेटी हम बना रहे हैं उसके अंदर वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे और उसके बाद सारी चीजें पता लगेंगी, तमाम हकायक मंजरे हम पर आएंगे। लेकिन ज़ैन कुरैशी साहब पिशावर में अपनी जमानत के लिए गए हुए थे और वहां पर हमारे दीगर लीडर्स भी मौजूद थे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी मौजूद थे, उनकी भी जमानतें थी, उन्होंने ओमनी बेल लेनी थी। ज़ैन कुरैशी साहब के जो वालिद साहब हैं मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको 2 रोज से चेस्ट पेन का इशू आ रहा था तो वो डॉक्टर्स ने उनको विजिट करने के लिए आना था कि ये खुदा ना खास्ता को हार्ट से रिलेटेड ना हो, क्योंकि आपको पता है चेस्ट पेन हमेशा रिलेटेड टू हार्ट पेट ही होती है मोस्टली। तो ज़ैन कुरैशी साहब ने पिशावर से अपनी जमानत ली है, पिशावर से जमानत लेने के बाद वो लाहौर पहुंचे हैं कोर्ट लखपत, अपने वालिद से मिले हैं और जो उनके वालिद ने डायरेक्शंस उन्हें जारी की हैं वो वहां से निकलने के बाद उन्होंने हमें बताई, मेरा टेलीफोनिकली उस वक्त उनसे रابطہ था, तो उन्होंने बतलाया कि ज़हूर कुरैशी साहब के हवाले से, क्योंकि वो उनके अजीज हैं, कि शाह साहब ने मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये पैगाम दिया है कि ज़ैन को, कि ज़ैन जाके तो ज़हूर कुरैशी से रابطہ करे और उसे बताए कि अगर आपने तरमीम के हक में वोट दिया और इमरान खान के खिलाफ वोट दिया तो फिर मेरा आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है शाह साहब अपने खानदान के बड़े हैं। और एक बात मुझे ज़ैन साहब ने उस वक्त बताई, वो मैं अब नहीं बताता, लेकिन दैट इज नॉट रिलेटेड टू हिज गिरफ्तारी और एनीथिंग, कि ज़ैन को शाह साहब ने कहा था कि आपने किसी सूरत के अंदर मुझे जो भी कॉन्सिक्वेंसेज भुगतने पड़े जेल के अंदर आपने किसी सूरत के अंदर नहीं करना, एंड यू आर गोइंग बैक टू केपी। ज़ैन कुरैशी के जो इन लॉज हैं बेसिकली वो कैसे हैं और वो वहां पर रुपोश होने के लिए जा रहे थे। फिर उसके बाद ज़ैन कुरैशी साहब से राबता ऑल ऑफ अ सडन सबका डिस्कनेक्ट हो गया और उस दिन शाम 6 बजे तक तो उनका फोन चल रहा था, लेकिन फिर पता उनकी अहलिया के हवाले से मिड न्यूज ब्रेक हुई, हमने सबने राबता करने की कोशिश की, किसी किस्म का कोई राबता उनके साथ नहीं हो सका। अब इससे आगे की सूरत हाल तो ज़ैन कुरैशी साहब ही बता सकेंगे कि उनके साथ क्या हुआ, किस तरह हुआ, मेरे साथ उनकी बिल्कुल बात हुई है और अब वो जितनी चीज है वो जाहिर है कमेटी इंक्वायरी करेगी उनके आगे। वो हामिद रजा साहब, आई डोंट एवर बिलीव इन विक्टिम ब्लेमिंग, आई डोंट एवर बिलीव इन दैट, क्योंकि जो हमें पता है कि तहरीक-ए-इंसाफ किन मुश्किलात से गुजर रही है, आज तक भी आप किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, 2 चीजें हैं जिनसे हर बंदा अलार्म्ड है। आज रात को जो ज़ैन कुरैशी साहब की वोटिंग से कुछ देर पहले वीडियो आई, वो उनके अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट होने से पहले से, एक डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और आप लोगों की पहले जमात के थे और आजकल बड़े नाकिद हैं फरहान विर्क साहब, वो कि 20-25 मिनट पहले ट्वीट कर देते हैं और उसके बाद ज़ैन कुरैशी साहब खुद से ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो भी लीक होगी उनकी, क्या
नहीं, वीडियो तो उनकी लीक नहीं हुई होगी जी, या हुई भी हो तो मैं क्या कह सकता हूँ जी इस बारे में, अपनी को राय का इजहार तो नहीं कर सकता। ये तो अब मेरा ख्याल है कि हमें इंतजार करना पड़ेगा ज़ैन कुरैशी साहब का, कि ज़ैन कुरैशी साहब का राबता बहाल हो और ज़ैन कुरैशी साहब बताएं। मैंने अलबत्ता एक चीज को मैं कह सकता हूँ कि जिस वक्त ज़ैन कुरैशी साहब मिसिंग हुए हैं तो मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब से, क्योंकि आपको पता है खानकाही निज़ाम में हमारा भी एक खानकाही निज़ाम है, पुराने ताल्लुकात होते हैं, शाह महमूद कुरैशी का मेरे वालिद से ताल्लुक और हमारा नस्लों का ताल्लुक चलता आ रहा है, तो मैंने एक पैगाम जरूर भिजवाया था जिस दिन जब हमारा राबता मुनक़ते हुआ ज़ैन कुरैशी साहब से दो रोज कबल शाह साहब के पास, कि ज़ैन कुरैशी साहब को कोई डायरेक्शन या वो मिसिंग है या आपका उस हवाले से कोई ताल्लुक, तो मुझे सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब का जो मैं जो ऑन ऑफ जो जी बता सकता हूँ ये है कि जो मुझे जिस मुलाकाती के जरिए मैंने पैगाम भिजवाया, अब उन्होंने मुझे वापस आके ये कहा कि आप साहबजा साहब से कहो कि वो मेरे भतीजे हैं और उनसे कहें कि ज़ैन कुरैशी किसी सूरत के अंदर इस तरमीम के हक में वोट नहीं करेगा, मेरी वाजिया और बहुत सख्त हदायत हैं और ये मुमकिन नहीं होगा। तो बाकी मेरे साथ भी उसका कोई राबता नहीं है, खुदा जाने आप उन्हें तलाश करें, क्योंकि उनके पास तो ज़ाहिर है जेल में लिमिटेड एक्सेस होगी किसी भी चीज की, या उन्हें जब बताया गया वो अंदर से क्या कर सकते थे। लेकिन जो उनका मैसेज मुझे रिसीव हुआ वो ये है कि मेरा लास्ट मैसेज ज़ैन कुरैशी को यही था कि तुमने किसी सूरत के अंदर जो मर्जी हो जाए उसकी नतीजा जो भी हो तुमने वोट नहीं करना। फाइनली मुझे ये बताइए डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा फैसल साहब, इन दोनों सेनेटर्स का क्या स्टेटस था, राबते में थे या राबता मुनक़ता हो चुका था? सर सेनेटर्स के बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि सेनेटर्स का हमारा कांटेक्ट उनके साथ नहीं था, मैं चूंकि खुद नेशनल असेंबली का मेंबर हूं, ये हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्लियामेंट लीडर हैं, वो दोनों सेनेटर्स को मेरा ख्याल है उनको ज्यादा आगाही है, वही सबके साथ रबते में थे। लेकिन मैं सर एक सिंपल सी बात करता हूँ, कुछ लोग तो हमें 100% वेरीफाई हो चुके हुए हैं, आपको कैटेगराइज करके मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, अभी हमारे पास उनके बयानात नहीं आए, पांच तो ओपन हो गए, लेकिन हमें मिकदाद बलोच साहब, हमें ब्रिगेडियर गुमन साहब और हमें ये तीसरे रियाज फतेहाना साहब, इनके बारे में जो पार्लियामेंट के अंदर जो उस वक्त सहाफी मौजूद थे या जो सिक्योरिटी के लोग मौजूद थे, हमें मल्टीपल जराए से इन तीनों के नाम तो कन्फर्म किए गए हैं कि ये पार्लियामेंट के अंदर उस वक्त मौजूद थे एज अ बैकअप। इसके अलावा जो दो तीन चार नाम लिए जा रहे हैं वो आजाद जराए ने या साफियों ने तो हमें, क्योंकि हमारी तो एक्सेस ही नहीं थी ना जी थर्ड फ्लोर पे या फोर्थ फ्लोर पे, वहां पे तो सिक्योरिटी के लिए वो ऊपर तो बेसिकली कर्फ्यू लगा हुआ था। तो अब जिन लोगों ने को इनके जिस तरह डॉक्टर ज़रका की जो मैंगल साहब के सेनेटर्स उतरे हैं, जब उतरे हैं तो उनकी वीडियोस पब्लिक हुई हैं, तो इस तरह को वीडियो भी हमने नहीं देखी। लेकिन बहरहाल अगर तो ये पार्टी से राबता करेंगे, क्योंकि पार्टी तो इन सब में से किसी से अब राबता नहीं करेगी, अगर ये राबता करेंगे तो इन्हें इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ेगा, ये इन्वेस्टिगेट होंगे और उसके बाद मेरा ख्याल है कि सख्त तरीन इकदाम, ये बात मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि अब जीरो टॉलरेंस है और शायद लेम एक्सक्यूज के साथ या किसी इंक्लूडिंग ज़ैन कुरैशी साहब, सर इंक्लूडिंग ज़ैन कुरैशी साहब, यस ऑफ कोर्स, थैंक यू, उन्होंने नाजरीन कुछ क्लैरिफिकेशंस, कुछ वजाहत जो थी ना सारी सिचुएशन की जिसमें थोड़ा सी एम्बिग्विटी थी, तो साहब जरा हामिद रजा साहब बहुत मेन फैक्टर या मेन फोकल पर्सन में थे जो इस सारे मामले को नेशनल असेंबली में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से देखते रहे, उन्होंने दो चीजों की को वेरीफाई कर दिया हमारे शो के अंदर कि जनाब रेट भी लगे हैं और दो दो अरब रुपए तक रेट लगे हैं, और वो कहते हैं कि जनाब हमारे पास शिवाद मौजूद है, हमारे पास वो लोग मौजूद है जिनके रेट लगते रहे, और सेकेंडली मेरे लिए शॉकर है, अभी भी ये शॉकिंग न्यूज है मेरे लिए कि ज़ैन कुरैशी साहब ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि उनके वालिद पहले जेल में थे, खुद वो रोपूश थे, और ऐसा क्या हुआ कि ज़ैन कुरैशी साहब के भी किरदार के ऊपर इन आदि तरामीम को लेकर आज सवालात उठ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसके लीगल एस्पेक्ट्स डिस्कस करते हैं कुछ वकला के साथ, लीगल एक्सपर्ट्स के साथ, कि जनाब 26वीं आनी तरमीम तो होगी, क्या 27वीं भी आएगी, क्या 28वीं भी आएगी, ऑब्वियसली पार्लियामान के पास भी इस्तेकाक है, लेकिन नंबर कैसे दोबारा पूरे किए जाएंगे और क्या ये मुमकिनात में से है कि रिजर्व्ड सीट्स जो हैं उनका फैसला रिवर्स हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में समझने की कोशिश करते हैं कि 26th अमेंडमेंट कल हो गई, आज गजटेड नोटिफिकेशन भी हो गया, आइन के साथ क्या हुआ, डिफरेंट आ रहा है। कुछ वकला इसको आइन की जमहूरियत की फतह गर्दानते हैं, एट द सेम टाइम कुछ वकला ने आज के दिन को ब्लैक डे भी डिक्लेयर किया है और कुछ वकला ने यह भी कहा है कि जनाब वकला तहरीक का आगाज होने जा रहा है। आई थिंक इस पे हमें लीगल ओपिनियन जो ही सबसे ज्यादा मैटर करती है कि जो समझते हैं आइन को, कानून को समझते हैं, वही आपको और मुझे आसान अल्फाज में बता सके कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड एंड व्हाट कुड हैपन। क्योंकि अभी 26वीं मेरी जो इन्फॉर्मेशन है 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर मामला खत्म नहीं हुआ, यहां से मामला स्टार्ट हुआ है। 27वीं तरमीम भी आ सकती है, जरूरत पड़ी तो 28वीं तरमीम भी आ सकती है। इन्हीं एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं, हाफिज अहसान खोखर साहब मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, बैरिस्टर साद रसूल साहब हमें स्काइप पे ज्वाइन करेंगे और फैसल फरीद चौधरी साहब हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे। हाफिज साहब आपसे ही आगाज कर लेते हैं क्योंकि आप मेरे बड़ा नजदीक बैठे हुए हैं। कल रात 26वीं आइनी तरमीम पास हो गई, बल्कि आज सुबह 6 बजे तक जाकर उसके ऊपर साइन हुए। मैं इसको आइन की जमहूरियत की फतह गिरदानूं या मैं कुछ वकला जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इट इज अ ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी, मैं इसको क्या कहूं? बिस्मिल्लाह, एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी अगर आप लेजिस्लेशन करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर जाते हैं तो आपको दोनों चीजें एंगल्स नजर आती हैं। एक कहता है कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, इंडिपेंडेंस है और पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है और पार्लियामेंट सुप्रीम है, और दूसरी साइड ये कहती है इट्स अ ब्लैक डे, और उसके बाद ये है कि जी इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अगेंस्ट द लॉ, और अगर किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर चली जाए तो फिर ये कहा जाता है कि जी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अपने आप को अपने दायरे के अंदर रहें, उन्हें से बाहर निकलना चाहिए। तो ये एक नैरेटिव है जो दुनिया के अंदर हर जगह, लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूंकि ज्यादा ये चलता है तो आपको इसलिए रिफ्लेक्ट आता है। लेकिन अगर इन्हीं पोलिटिकल पार्टीज जो हैं इनकी या जो इस सारे सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, अगर आप इनकी स्टेटमेंट्स देखें तो अगर ये ट्रेजरी की साइड से या दूसरी साइड से आएंगे तो ये और स्टेटमेंट्स देंगे, अगर दूसरी साइड से आएंगे तो वो और उसकी स्टेटमेंट्स है। बट बुनियादी चीज ये है कि जो कल हुआ है, जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके क्या वो पैरामीटर्स या क्या वो ऐसी ग्राउंड्स थी या क्या वो ऐसी चीजें थी कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये प्रोसेस जो है उसको पार्लियामेंट ने इनिशिएट किया गया, इसकी चार ही बुनियादी तौर पे चीजें और जिसमें किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है कि नंबर वन ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो ओवरबर्डन है, इंक्लूडिंग द सेशन कोर्ट, इसको कम होना चाहिए। सुन लेना, देखे ना, ख्वाहिश पे तो नहीं चलना। अच्छा, दूसरा ये अगर आपने अगर आपने सारी चीज को समझना है ना तो फिर आपको दिमाग के अंदर से जस्टिस फाइज ईसा को भी निकालना पड़ेगा और जस्टिस मंसूर को भी निकालना पड़ेगा। अब अगली चीज ये है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स ने है, मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, वो एग्जांपल ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है कि हाई कोर्ट को सुओ मोटो ज्यूरिसडिक्शन का इख्तियार नहीं है, बार बार हाई कोर्ट सुओ मोटो के अंदर जाते हैं और वो जो है सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड करती है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है कि आप प्रेयर के बाहर नहीं जा सकते, आप अपने कॉज ऑफ एक्शन के बाहर नहीं जा सकते, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट उसके बाद दूर जाती है, सुप्रीम कोर्ट उनको सेट असाइड कर देती है। तो क्या चीज जो है वो अप्लाई पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं करती? अगर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 175(2) के नीचे पार है तो वो सब्जेक्ट टू द लॉ इन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अगर उसने पार एक्सरसाइज करनी है और आप उसकी तशरीह कर देंगे आर्टिकल डिसीजन विल बी बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बट मेरा और आपका यह तो राइट है ना कि हम उसको क्रिटिसाइज करें। क्या पाकिस्तान के आइन के अंदर आर्टिकल 187 जो है वो हमेशा से इस चीज के अंदर वही आगे आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आएगा? यूसुफ रजा गिलानी देख लें, उसके बाद 62(1)(f) आप देख लें, 63(a) लेकिन जितनी इस तरह के अमेंडमेंट्स आएंगे ना, जो लेके आया है वही उसका कौन सी आई है देखे बताए ना, कौन सी ऐसी अमेंडमेंट है जो उसका विक्टिम बना है, बताए ना। आमिर साहब से स्टार्ट करते हैं, जिया साहब से स्टार्ट करते हैं, विक्टिम कौन बना? और 97 में वो अपॉइंटमेंट्स को छोड़ दें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट की बात कर रहा हूं, देखे ना, 52(a)(b) जो है जब आपके एक आमिर ने अपनी तरफ लेके गए और पार्लियामेंट ने जब उसको इस्तेमाल किया, देखे ना, आप सिर्फ चीजों को साइड बनाइए, पॉइंट एक पे आए ना, फिर मैं उसका जवाब आपको देता हूं। उसी आमिर ने जब आपको 18th अमेंडमेंट के अंदर 58(2)(b) लगाई और आपने इस्तेमाल किया, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने उसको वापस ले लिया, तो यही सुप्रीम कोर्ट है, प्राइम मिनिस्टर को घरों भेजना शुरू कर दिया। ये किसी मुल्क के अंदर लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिफाई है? क्या पाकिस्तान के 3 या 4 या 5 जज ये फैसला करेंगे कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को हमने चलाना किस तरह है? अब अगर जुडिशियल कमीशन या आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, जो ऑलरेडी आप
बात की जाती 18th अमेंडमेंट के ऊपर जी, बड़ी उसमें बहस हुई थी, और भी अगर 18th अमेंडमेंट इतनी अच्छी थी तो फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 19th अमेंडमेंट करवाई क्यों जी? इसीलिए करवाई ना कि वो अपना एक क्लाउड जो था उसको इस्तेमाल करना चाहते थे। अब उस यहां पर एक सेकंड रुक जाए, यहां पर रुक जाए, यहीं से स्टार्ट करेंगे। बैरिस्टर साहब, आई एम सॉरी, यू बीन वेटिंग। मैं क्या कहूं, इज इट ब्लैक डे, इज इट विन विन फॉर डेमोक्रेसी, इज इट विन विन फॉर जुडिशरी? प्लीज एनलाइटन अस, कुछ आसान लफ्जों में सिखाइएगा, बताइएगा हमें कि रात को हुआ क्या हम सबके साथ। सबसे पहले तो मैं बहुत आपका बुधान, आप मेरे से बात कर रहे हैं? जी जी, आपसे बात करो प्लीज। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का, और मुझे आई एम्पथाइज विद हाफिज साहब, जिस बात को वो डिफेंड कर रहे हैं वो एक बड़ी मुश्किल डिफेंस है, और वो बड़ी जोरदार तकरीर के थ्रू उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो फैक्चुअल लीगल बातें की इसके अंदर मैं दो तीन इसलाह करता चलूं। इन्होंने कहा आज तक हर चीफ जस्टिस को कॉन्ट्रोवर्शियल सेंड ऑफ मिला, ये बात दुरुस्त नहीं है। तसद्दुक जिलानी साहब को कॉन्ट्रोवर्शियल सेंड ऑफ नहीं मिला था, नासिर मुल्क साहब को कॉन्ट्रोवर्शियल सेंड ऑफ नहीं मिला था, इस तरह के दीगर बहुत सारे चीफ जस्टिसेस हैं जिनको कॉन्ट्रोवर्शियल सेंड ऑफ नहीं मिले। इन्होंने कहा कि हाईकोर्ट सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन के अंदर केसेस कर देती हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। हाईकोर्ट ने सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन के अंदर सिर्फ अपने प्रिंसिपल सेट किए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो कहती है कि चीफ जस्टिस हाईकोर्ट किन सिचुएशन के अंदर सुओ मोटो ले सकता है, ये इफ्तिखार चौधरी साहब ने सेट किया था। एक जजमेंट इसके अंदर ख्वाजा शरीफ साहब की है, और एक और दो जजमेंट्स हैं इसके अंदर। ये बात करनी कि हाईकोर्ट सुओ मोटो लेती है, ये बात दुरुस्त नहीं है, हाईकोर्ट सुओ मोटो नहीं लेती। तीसरी बात ये कि इन्होंने कहा कि प्रेयर के बियॉन्ड सुप्रीम कोर्ट रिलीफ ग्रांट करती है, तो मेरा ख्याल है हाफिज साहब को भी पता है और बाकी भी तमाम कानून के लोगों को पता है कि जो अल्टीमेट कोर्ट होती है, ख्वा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हो, ख्वा वो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट हो, इंग्लैंड की हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हो, जितनी भी अल्टीमेट कोर्ट्स होती हैं उनके पास सारी दुनिया के अंदर ये पावर है कि वो एडिशनल प्रेयर ग्रांट की कर सकती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, एक नाकिस वकील है, वो एक मुकदमा लेके जाता है किसी भी, हाफिज साहब तो बहुत काबिल वकील हैं, एक मेरी तरह का नाकिस वकील हो, वो एक मुकदमा लेके जाता है, तो दीगर अदालतें तो उसको वकील के आर्गुमेंट्स के मुताबिक का रिलीफ देती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास 187 में इस तरह की पावर थी कि अगर किसी वजह से किसी साइल की बुरी बात उसके वकील ना भी कर रहे हों तो जज साहिबान के पास ये इख्तियार था कि वो कंप्लीट जस्टिस कर सकें। ये इख्तियार सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं था, ये इख्तियार दुनिया की तमाम अल्टीमेट कोर्ट्स के अंदर मौजूद है। हाफिज साहब से गुजारिश इतनी है कि इस अमेंडमेंट के अंदर कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी चीजें हैं, लेकिन सारी चीजों को अच्छा ना कहिए, सारी चीजों को हम बुरा भी नहीं कह रहे। जहां पे हमारा इससे इख्तलाफ है वो ये है, दो बातों पे इख्तलाफ है। एक ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के अंदर, जो आईनी नौयत के केसेस होते हैं, उनके अंदर हुकूमत पार्टी होती है। आप हुकूमत की किसी एक्शन को, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को, किसी कानून साजी को, किसी कैबिनेट की डिसीजन को आप आईनी बेसिस के ऊपर अदालत में चैलेंज करते हैं। जब हुकूमत आईनी चीजों की कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के अंदर रिस्पॉन्डेंट होती है या पार्टी होती है, तो आप कैसे ये इख्तियार दे सकते हैं कि एक रिस्पॉन्डेंट पिक करे अपनी कमिटी से कि मेरा केस मुकदमा कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सा बेंच सुनेगा? ये दुनिया में कहां पर होता है? कहां पे होता है कि साइलीन के पास ये इख्तियार हो? साइल ये तो है कि किसी एक जज के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज कर दे कि आप बायस्ड हैं, लेकिन कौन सी दुनिया में होता है कि साइलीन पूरा बेंच फिक्स कर दें, कहें कि ये छह बंदे मेरा मुकदमा सुनेंगे? दूसरा हमारा इसके अंदर खलिश ये है हाफिज साहब, बहुत बसद एहतराम, कि चीफ जस्टिस की जब आप नॉमिनेशन टॉप थ्री में से करेंगे और एक ऐसी कमिटी करेगी जिसके अंदर गवर्नमेंट की मेजोरिटी है, तो आप कैसे इस बात को मेंटेन करेंगे कि टॉप थ्री के अंदर से लोग एक दूसरे के साथ इस कंपटीशन के अंदर नहीं पड़ गए कि मैं हुकूमत के हक में फैसले देके कल को चीफ जस्टिस बन जाऊं, मैं हुकूमत के खिलाफ, वो हुकूमत के खिलाफ फैसला देगा तो नहीं बनेगा? ये प्रेफरेंसेस, हुकूमत की प्रेफरेंसेस, ख्वा इलेक्शन कमीशन हो, ख्वा नैब हो, ख्वा दीगर चीजें हो, जहां जहां पर भी हुकूमत लोगों को अपॉइंट करती है, हमने देखा है कि वो अपनी मर्जी के लोग अपॉइंट करती है, ऐसे लोग अपॉइंट करती है जो उनसे सिंपथाइज करते हैं। मेहरबानी करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड जो हुकूमत के खिलाफ केसेस सुन रहा होगा, वो हुकूमत की सिंपथी, हुकूमत की मर्जी से लगेगा, तो आम आदमी के हुकूक जो हुकूमत के खिलाफ डिफेंड होते हैं उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। फैसल फरीद चौधरी साहब, यहां पर कहानी आज सिर्फ दो खबरें हैं जो मेरी नजर से गुजरी, जो बड़ी खबरें थी जिन्होंने मेरी अटेंशन दी।
एक तरफ जमहूरियत की फतह, आइन की फतह, और दूसरी तरफ कुछ वकला की जानिब से कहा गया जी ब्लैक डे है। एक टॉपिक है जिसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहूंगा कि मखसूस नशिस्तें, 27वीं अमेंडमेंट, आइनी बेंच, आगे क्या होगा, लेकिन व्हाट डू यू थिंक, इज इट विन विन फॉर डेमोक्रेसी और इज इट ब्लैक डे? देखिए, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का जहां तक ताल्लुक है जुडिशरी से मुताल्लिक जी, तो ये सर्टनली जो है ये ब्लैक डे है। पाकिस्तान में जुडिशियल जो इंडिपेंडेंस है उसमें पार्लियामेंट की जो है वो डायरेक्ट मुदाखलत हो गई है। जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था तो तब भी ये बात मेरे समेत बहुत सारे वकला ने ये की थी कि आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का ऑब्जेक्ट जो है वो काबिल एतराज नहीं है, लेकिन मेथड जो है वो काबिल एतराज है। पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच फॉर्मेशन है उसकी हद तक जो है ये लिबर्टी नहीं दे जा सकती, ये तो उनके मामलात में बराह रास्त दखल अंदाजी है। तो उस वक्त माजरत के साथ कुछ जजेस जो आज आगे चीफ जस्टिस बनने के भी मुतमनी भी हैं, उन्होंने उस वक्त साथ नहीं दिया। मंसूर अली शाह साहब की बात कर रहे हैं, मंसूर साहब और कुछ और भी जजेस हैं, मंसूर साहब का नाम तो हम लेते नहीं है, ये डेकोरम होता है जी। तो उस वक्त ये बात नहीं मानेगी, तो अब जुडिशियल ओवररीच जो कि बिल्कुल उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, इफ्तिखार चौधरी के दौर में बहुत ज्यादा जुडिशियल ओवररीच हुई, साकिब निसार साहब के दौर में भी बहुत ज्यादा जो है सोमोटो का गलत इस्तेमाल होता रहा, जिसका पार्लियामेंट की दाढ़ी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में रही। अब सुप्रीम कोर्ट की दाढ़ी पार्लियामेंट के हाथ में दे दी गई है, यानी उसको रिस्पॉन्ड किया गया है अनब्राइडल्ड एक पावर दे के कि आप बेंच फॉर्म करें। तो बेंच फॉर्मेशन जो है वो ये निजामे इंसाफ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। अगर आप मर्जी का बेंच बनवाएंगे तो फिर उसके बाद जो है जुडिशियल कमीशन में अभी काजी फायजा ने आज इंतहाई जो है वो एक बदतमीजाना काम और मजीद ये किया है कि उसने जो आप मंसूर अली शाह साहब ने सुबह एक केस उनके सामने आया तो वो 3 मेंबर बैंक था, उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया कि नए जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में जाना है या ऑर्डिनरी बेंचेस में रहना है, ये कंडक्ट होता है जुडिशियल कंडक्ट जो। और लेकिन इनका बायस इतना ज्यादा है कि इन्होंने जाते जाते वो नजरसानी की अपील जो है उसको रिजेक्ट करना मुनासिब समझा, हालांकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कि कोई आईनी तरमीम भी नहीं थी तब, वो अभी मंजूर भी नहीं हुआ था, तो ये बैठ गए थे 5 महीने ये चैम्बर में घुसे रहे कि जी वो जब तक वो नहीं आएगा, कमेटी नहीं बनेगी तो मैं तो किसी चीज का हिस्सा नहीं बनूंगा। सो ये बदयानती की भी एक इंतहा है, बदनीति की भी इंतहा है। नारायण, मुझे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापिस आते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक और चीज है जिसके ऊपर आप तमाम लोगों की थोड़ी सी राय चाहूंगा। बिरस्ते साहब, साज रसूल साहब, एक सिनेरियो में आपके सामने रख रहा हूं और मुझे प्लीज बताइएगा आप किस हद तक हमसे मुत्तफिक हैं, क्योंकि ये काफी जगहों पे डिस्कस हो रहा है आज इस्लामाबाद के अंदर। लेट्स से कि आईनी बेंच के सामने रिव्यू लग जाता है मखसूस नशिस्तों का, 8 जजेस के फैसले का, इज इट पॉसिबल कि वो वहां से रिवर्स हो? इज इट पॉसिबल कि उसके बाद मेजोरिटी हो जाए हुक्मरान इत्तेहाद की नेशनल असेंबली के अंदर? इज इट पॉसिबल कि 26th और 27th अमेंडमेंट आ जाए? इज इट पॉसिबल कि वो तमाम तरामीम जो पहला ड्राफ्ट था जो रह गई, जो ड्रॉप अप हो गई JUIF की वजह से, वो वापस से 27वीं और 28वीं अमेंडमेंट के अंदर लाई जाए वापस? मेरा ख्याल है कि अगर आप हुकूमत के लोगों से पूछें तो उनकी डिजायर तो यही होगी। मेरा शायद जो कल बात हो रही थी फैसल वाडा साहब की, मैंने एक स्टेटमेंट सुनी जहां पे वो कह रहे थे कि पहले तारीख पे तारीख होती थी, अब तरमीम पे तरमीम होगी। शायद हुकूमत का प्लान यही हो कि पहले मरहले के अंदर एक दफा लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए इतनी सी अमेंडमेंट पास कर दी जाए और इसके बाद कुछ मजीद अमेंडमेंट्स हों जिनके तहत मखसूस नशिस्तें और दीगर ऐसी चीजें जो कि जिसके अंदर शायद मिलिट्री ट्रायल्स की भी बात हो, ये कल को सबसिक्वेंट अमेंडमेंट्स के अंदर पास की जाए।
मेरा ये ख्याल है कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, ये इख्तियार तो हुकूमत के पास मौजूद है, आज भी है, इस हुकूमत के पास भी है, माजी की हुकूमत के पास भी था, मुस्तकबिल की हुकूमत के पास भी होगा कि वो आइन की शिकों को बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद रहते हुए, आइन पाकिस्तान के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद रहते हुए चेंज कर लें। और अगर वो चेंज या अमेंडमेंट जो आइन की होगी वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को, हमारे आइन के बेसिक स्ट्रक्चर को, जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक दोष के सुतून है, अगर वो इनको वायलेट नहीं करता तो अमेंडमेंट पास भी हो जाएगी, अगर वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार होगा उसको स्ट्राइक डाउन करने का। लेकिन जो आपने इससे पहली बात की कि क्या ये वाली, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है, क्या ये मखसूस नशिस्तों की जजमेंट को, मखसूस नशिस्तों वाली जजमेंट को अंडू कर सकता है, तो ये मेरे ख्याल में शायद शायद पॉसिबल ना हो। उसकी वजह ये है कि इस मखसूस नशिस्तों की जजमेंट जो है वो एक मेजॉरिटी 8 मेंबर 9 मेंबर मेजॉरिटी से इफेक्टिवली आई थी, क्योंकि उसमें काजी फाइजीसा साहब और मंदोखेल साहब की जजमेंट के अंदर भी पीटीआई को एज पार्टी रिकग्नाइज किया गया, कहा गया कि उनको कुछ मखसूस नशिस्तें कम अज कम दी जाए। एक ऐसी जजमेंट जिसके अंदर 9 जज साहिबान का ये ख्याल था कि पीटीआई एक पार्टी है जिसको कुछ ने कहा ज्यादा मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, मंसूर अली शाह साहब वगैरह ने, फायजीसा साहब ने कहा कि मिलनी चाहिए लेकिन कम मिलनी चाहिए, जहां पे इस जजमेंट को जिसमें 9 जजेस ने कहा कि उनको कुछ मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, इसको अनडू करने की मेरे ख्याल में अथॉरिटी इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास नहीं होगी। और उसकी वजह यह है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया भर में, और हाफिज साहब भी इस बात को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल दलाइल से इसको एग्री करेंगे कि सारी दुनिया के अंदर ये जुरिसप्रूडेंस है कि अगर ज्यादा मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला कर दे और आप उससे डिसएग्री करते हो तो आपको उससे लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम 8 या 9 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को 3 मेंबर बिल्कुल क्या अभी भी 8 जजेस का जो फैसला था उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होने जा रहा है, यानी एनालिसिस नहीं, खबर मांग रहा हूं आपसे। नहीं, पहले मैं उसकी तरफ आ जाता हूं फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। बिल्कुल बात ठीक है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा बेंच जो ऑलरेडी एक मतलब 5 मेंबर्स बेंच है वो एक फैसला करता है और उसके बाद उससे लार्जर बेंच ही उस फैसले को जो है वो ओवरटर्न कर सकता है, अगर अगला 5 आएगा तो वो ये कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस को कह सकते हैं कि जी आप उस लार्जर बेंच पे चले जाएं। ठीक है, लेकिन ये भी प्रिंसिपल इस पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वायलेट किया कि जब मिलिट्री कोर्ट्स की जजमेंट आई तो उसके अंदर 5 मेंबर्स बेंच की जजमेंट जो 1975 की थी उसके ब्रिगेडियर अली की, उसको जब अभी जो बेंच बना सुप्रीम कोर्ट का जो 5 का बना और उसके 4-1 से आया तो उसके अंदर बजाय ये कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को कहती कि लार्जर बेंच पे जाए, उन्होंने उस जजमेंट को ओवरटर्न किया और उसी के ऊपर जस्टिस याया फरीदी साहब का भी नोट आया कि यह बात मुनासिब नहीं है कि अगर 5 मेंबर्स की जजमेंट आ चुकी थी और हम भी 5 थे और हम ये समझते थे कि इसके अंदर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो हमें चीफ जस्टिस को लार्जर बेंच के लिए कहना चाहिए था। यह भी मैं आपको एक एस्पेक्ट वो उसका बताता हूं और इसी से वो डिसएग्री किया। अब दूसरा उस चीज के अंदर है साकिब, यह बड़ा एक इंपॉर्टेंट आएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो भी रिव्यू सुना जाएगा वो सुना जाएगा उन सारे जजेस की बुनियाद के ऊपर जिन्होंने ओरिजिनल हेयरिंग की, और अगर उनमें से कोई रिटायर हो जाता है तो वो निकल जाता है। या हमने जस्टिस मुनीब वाला भी देखा है ना, और जज वो थे लेकिन हमने वो भी नहीं, लेकिन वो खुद नहीं ना बैठे, साथ वो खुद नहीं आए, रिक्यूज भी तो नहीं किया, नहीं नहीं रिक्यूज भी तो नहीं। मुझे ये बताएं कि आपका ये कैमरामैन है और ये कहे कि जी मैंने अंदर नहीं आना और आपके मैं उससे वजह पूछूंगा कि क्यों नहीं आना, नहीं तो वो अगर वजह प्रोटेस्ट कर रहा होगा किसी चीज में तो वो वजह क्या है, सिविलाइज्ड सोसाइटी में वजह प्रोटेस्ट का यही तरीका क्या है साकिब, वजह क्या है। अच्छा, दूसरा उसके अंदर ये है कि जब वो मामला ये आया, अब ये है कि इसको सुना जाएगा 12 मेंबर्स का और यही वो एक प्रॉब्लम आएगी कि अगर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 मेंबर्स का बनता है तो अगर ऑलरेडी आपके 12 मेंबर्स सुन चुके हैं या 8 का एक फैसला आ चुका है या दो ने भी उसको सपोर्ट किया हुआ है कि जी वो उनको मिलनी चाहिए, किस तरह मिलनी चाहिए वो उस पर खामोश है, या फरीदी साहब ने कहा है कि अगर मिलनी चाहिए तो इलेक्शन कमीशन का फोरम इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाला इस वक्त प्रोसेस हुआ हुआ है, ये बात आगे चल नहीं सकेगी, क्योंकि उसके अंदर ये है कि स्मॉलर बेंच जो है वो लार्जर बेंच को सुन नहीं सकता, और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन आएगा, और ये आज से ही स्टार्ट हो गया है कि जिस तरह जस्टिस मंसूर साहब ने कहा कि ये कंफ्यूजन, इससे पार्लियामेंट को निकलना फैसल भाई मखसूस रिश्तों पर जो सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा है ये सीरियस। जी 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 साहब, मैं इस बात की एक्सेप्शन लेना चाहता हूं, हाफिज साहब एग्जांपल जरूर दें, लेकिन मुनीब अख्तर साहब को एक्सक्यूज करने, अपने बेंच से ना बैठने की एग्जांपल एक कैमरामैन के अपने जॉब पे आने की एग्जांपल से मुतनासिब नहीं है। वो जज सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो ना बैठे बेंच में तो जब तक वो ना बैठे और या रिटायर ना हो, उनका बेंच वो खुद रेगुलेट करते हैं। ये कहना कि एक बंदा नौकरी पे नहीं आया, ये ऐसे ही है जैसे जज बेंच में नहीं आया, ये मुनासिब बात नहीं। अच्छा फैसल भाई, ये एक सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा है, और ये सीरियस हलकों के अंदर कल रात असेंबली के अंदर हुकूमती बेंचेस, हुकूमती पार्लियामेंटेरियन जो है ये वहां पर अंडर डिस्कशन था कल रात, जो आज गुजरी है कि जनाब हो सकता है आईनी बेंच जब बन जाएगा तो यही रिव्यू वहां पर लगेगा, और ये रिव्यू में उड़ाकर सीटें वापस दे दी जाएंगी, और ये हो जाएगा हमारे पास टू थर्ड मेजोरिटी हो जाएगी। आप किस हद तक टेक्निकली और लीगली आप किस हद तक इस सारे सिनेरियो से मुत्तफिक हैं? देखिए, गवर्नमेंट की अकल का अंदाजा तो फिर आप इसी गुफ्तगू से लगा लीजिए ना कि कितने नाबलद है, और वो तो एक स्टैम्प पेपर है जो एक रबड़ स्टैम्प है, क्योंकि जो उनको लाए हैं फॉर्म 47 के तहत वो उनकी हर बात को उन्होंने मानना है। देखिए, ये बड़ी उजलत में ये तरामीम की गई हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी इनमें कन्फ्यूजन होगा, और ये डिपेंडेंसी जिसकी जिसको बुनियाद बना के हुकूमत ने हैमर कर करके ड्रम बीट कर करके ये अमेंडमेंट लाए हैं, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये कन्फ्यूजन की वजह से पेंडेंसी अब पहले से सुप्रीम कोर्ट कर रहे थे, अब हाई कोर्ट में भी बढ़ेगी और केसेस जो हैं मजीद जो है ये डिले होगा। उसकी वजह यह है कि ये एक बात तो बिल्कुल कर दी हाफिज साहब ने भी और बैरिस्टर साहब ने भी, एक लार्जर बेंच का फैसला ओवरटर्न करने के लिए तो आपको उससे बड़ा लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा, और उसमें जाहिर मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है उसमें फिर सारे जज बैठेंगे। तो इसके साथ साथ ये भी है कि ये कौन फैसला करेगा कि कौन सा केस कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का है, कौन सा केस कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का नहीं है, फिक्सेशन कैसे होगी, इन चीज़ों को बायफर्केट कैसे किया जाएगा, ये चीज़ें जो हैं ये बहुत एक मामला ऐसा है जिसके लिए शायद आपको महीनों लग जाएं, क्योंकि ये जो निटिग्रिटीज हैं हमारे प्रोसीजरल प्रोसीजर की, हमारी फिक्सेशन की, हमारे बेंच फॉर्मेशन की, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी टाइम लेंगी और इस पर काफ़ी ले दे होगी। उसके साथ साथ वकला ने तो इस चीज़ को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। देखिए, अभी आपने देखे कि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि कंटोनमेंट से आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट पाकिस्तान करेगी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी नाइव गवर्नमेंट है और इतने नाइव पार्लियामेंटेरियन हैं कि इन्होंने आइन में तरमीम कर दी है कि कंटोनमेंट के टैक्स टैक्स जो है वो गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है अकाउंट नंबर वन में ना लेके जाए। फैसल भाई, थैंक यू, मेरा टाइम खत्म हो गया शोका, थैंक यू सो मच फैसल साहब, आपका शुक्रिया, हाफिज एहसान कोकर साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, इस दुआ के साथ आज के शो से जारी कि आज के अमेंडमेंट्स या कोई भी अमेंडमेंट्स हो आपकी और मेरी बेहतरी के लिए, और किसी भी शो में बैठकर हम ये बहस ना कर रहे हो कि ये अमेंडमेंट्स जो इतनी उजलत में की गई हैं इनसे हासिल क्या करना था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।